हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं मामा घर, और भाभी, मैं, भैया तीनों निकलेंगे। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूप है। सरायपाली पहुंच चुके हैं, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग अभी आए हैं खेत में। देखो खेत में कैसे पानी भर चुका है पूरा। इधर देखो, इधर थोड़ा पानी कम है। आगे हम लोगों का खेत है और वहीं जा रहे हैं हम लोग। तुम लोग मत जाना खेत तरफ, यहीं पर रहना। मैं अंदर से घूम के आऊंगा, फिर घर जाओगे। कौन सा वाला खेत है? हाँ, बार बार भूल जाते हैं। हम लोग का खेत है और छोटा छोटा धान उग चुका है यहाँ। डैम का पानी है, आगे एक डैम है, उसमें पानी भरा रहता है हमेशा। गर्मी में भी यहाँ पर बुआई होता है इसी पानी से। और अभी भी देखो, अभी तो बहुत पानी आ रहा है, लगातार ये पानी चलते रहेगा। आगे एक कुआं है, दिखाता हूँ मैं। कुआं आपको ऐसा लगेगा कि तालाब है, पर वो थोड़ा पानी भर चुका है और अभी सूखेगा तब ये पूरा नीचे तक कुआं इसके, देखो ये पूरा कुआं है, अंदर बहुत गहरा है, पूरा पानी भर चुका है, इसके लिए ऐसा ऊपर तक दिख रहा है। जब भी कुछ होगा तो यहाँ पूछ। गर्मी में भी? हाँ, उतने पानी उतना ही कुआं में रहता है। यहीं से पूरा पानी जाता है ये सारा खेत लोग में, और गर्मी में भी ये पानी रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है लेकिन रहता है, और इसी से पूरा
खेती होता है गर्मी में भी। यहाँ कोई भी खेत में बोर वोर नहीं है, पानी अभी तेज हो चुका है। और यहाँ पीछे एक पहाड़ दिख रहा होगा, आपको दिखाता हूँ। ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे जो है ना वो है शिशुपाल पर्वत। जो हल्का धुंधला दिख रहा है वो शिशुपाल पर्वत है। चलो, बारिश तेज हो गई है, अभी चलते हैं यहाँ से, नाश्ता वास्ता करेंगे फिर निकलेंगे। तो आप लोग जो नज़ारा देख रहे हैं ये सब महासमुंद जिला में ही पड़ता है, ये भी सरायपाली के पास। सरायपाली से लगभग 12 किलोमीटर दूर है पैकिंग करके, और यहाँ से लगभग 5 या 7 किलोमीटर दूर में सिंघोड़ा मंदिर है, और शिशुपाल पर्वत भी यहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कुछ यहाँ पर हल्का सा पत्थरों से सीढ़ी बना हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए। ये बांध के कॉर्नर में आ चुके हम लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगले ब्लॉग में हम लोग कहीं जाने वाले हैं, बस यहीं से स्टार्ट होगा अगला ब्लॉग भी।